नमस्कार दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर माधव कुमार और महिला एवं बाल अपराधों से संबंधित कानून अधिनियम व कानूनी प्रावधान व पुलिस की क्या कार्यप्रणाली होती है उनसे संबंधित नियमों के संबंध में अगला जो अपना अधिनियम है वो अधिनियम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। और ये अधिनियम 2012 में बना, साथ ही उसमें नवीनतम संशोधन, यानी अब तक क्या क्या संशोधन हुए, कैसे कैसे कार्य प्रणाली में परिवर्तन किया गया, समय के साथ साथ क्या क्या परिवर्तन किया गया, उन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था, इस अधिनियम के उद्देश्य के बारे में अगर हम देखें तो ये अधिनियम जब आया था उससे पूर्व बालक या 18 वर्ष से कम आयु के बालकों के प्रति या 18 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों के प्रति अगर कोई भी अपराध होता था तो वो समान धाराओं में दर्ज किया जाता था, साथ ही समान प्रकार की कार्रवाई की जाती थी। यानी अपराध अगर बालक के साथ किया गया हो तो या अपराध किसी बड़े के साथ किया गया हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं था। लेकिन ये अधिनियम बालकों के साथ होने वाले अपराधों का अलग करता है और वयस्कों के साथ होने वाले अपराधों व उनके सजा के प्रावधानों को अलग करता है। अब हम देखते हैं इस अधिनियम की धारा, अधिनियम का विस्तार। अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, इस अधिनियम में कुल 46 धाराएं हैं। कितनी है, कुल 46 धाराएं हैं इसमें। उनमें से धारा पहली में अधिनियम का विस्तार, अधिनियम का विस्तार वर्तमान में संपूर्ण भारत में है। वर्तमान में अधिनियम का विस्तार कहां है, संपूर्ण भारत में है। और यह अधिनियम लागू कब से हुआ था, लागू हुआ था 14 नवंबर 2012 से, यानी बाल दिवस के दिन से लागू हुआ था। यह कब से लागू हुआ था, बाल दिवस। अधिनियम में मुख्य परिभाषाएं, धारा 2 में इस अधिनियम में परिभाषा दी गई है, उसमें मुख्यतः है बालक की परिभाषा। किसकी, बालक की। अब बालक इस अधिनियम में, बालक से आज से क्या होगा, वह जो 18 वर्ष से कम आयु प्राप्त हो, कितना हो, 18 वर्ष से कम आयु प्राप्त हो। साथ ही इसमें बालक से आज से होगा जेंडर निरपेक्ष माना गया है, यानी बालक लड़का भी हो सकती है और लड़की भी हो सकती है, जेंडर के आधार पर इस बालक को परिभाषित नहीं किया गया है। अब अधिनियम की धारा 3 में लैंगिक प्रवेशन हमला, अगर कोई लैंगिक प्रवेशन हमला करता है, प्रवेशन का करता है, तो उसके लिए धारा 4 में सजा का प्रावधान है और वो सजा आयु के आधार पर निर्धारित है। जैसे अगर अभी हाल ही में जो संशोधन किए गए हैं 2019 के आसपास, वो उनमें क्या होगा कि 12 वर्ष से कम आयु की अगर किसी बालक के साथ में, 12 वर्ष से कम, और एक हो गया 12 से 16 वर्ष और 16 से 18 वर्ष, ये इसमें प्रावधान किए गए। अगर 12 वर्ष से कम के बालक के साथ कोई अपराध किया जाता है लैंगिक प्रवेशन का, तो उसके लिए मृत्युदंड की सजा की गई है। किसकी की गई है, मृत्युदंड, अगर 12 वर्ष से कम है तो। और अगर 12 से 16 है तो न्यूनतम सजा होगी वो होगी 20 वर्ष, और अगर 16 से 18 वर्ष है तो उसकी न्यूनतम सजा होगी 10 वर्ष। यानी प्रवेशन लैंगिक हमला होगा उसमें न्यूनतम सजा 10 वर्ष है, और अगर 12 से 16 वर्ष का है तो 20 वर्ष है, और 12 वर्ष से कम का अगर कोई मामला है तो उसमें मृत्युदंड की सजा है। अब है धारा 5, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला से क्या आशय है, गुरुतर शब्द से आशय है कि कोई ऐसा अधिकारी जिन या पदाधिकारी जिनके संरक्षण में कोई बालक रह रहे हैं, या कोई शिक्षा या शिक्षण संस्थान, या कोई जैसे पुलिस थाना हुआ, या इत्यादि प्रकार के कोई जो संस्थान होते हैं जिनमें अगर कोई बालक के साथ इसी प्रकार का कृत्य होता है, इसी प्रकार का कार्य होता है, तो न्यूनतम 20 वर्ष की सजा होगी। और वो किसमें लिखा हुआ है, धारा 6 में। यानी इस अधिनियम में, अधिनियम के प्रत्येक धारा में
जो विषम धारा है उसमें अपराध होगा और जो सम धारा है उसमें उसकी दंड होगा। जैसे 3, 5, 7, 9 इनमें क्या होगा, इनके परिभाषा होगी कि कैसा अपराध होगा। और इसमें क्या होगा, जैसे 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि जो धारा है इनमें क्या है, दंड का प्रावधान है। तो धारा 6 में क्या है कि न्यूनतम 20 वर्षों का जो मृत्यु दंड तक होगा, अगर किसी 12 वर्ष से कम की बालक के साथ किया जाएगा तो वो मृत्यु दंड तक का अपराध माना जाएगा। साथ ही है धारा 7 में लैंगिक हमला, अगर कोई गलत आशय से किसी को टच करता है, किसी से संपर्क करता है या अन्य कोई कार्य करता है तो वो लैंगिक हमला माना जाएगा, और उसके लिए धारा 8 में दंड का प्रावधान है। यानी ये सम और विषम वाली थी, उसमें धारा 8 में इसमें दंड का प्रावधान है। लैंगिक हमले के लिए धारा 8 में न्यूनतम 3 वर्ष का कारावास है। कितने वर्ष का है, न्यूनतम 3 वर्ष का कारावास है। अब है धारा 9 में क्या है, गुरुतर लैंगिक हमले में क्या होगा, अगर वही किसी पदाधिकारी अगर कोई लैंगिक हमला करता है तो उसके लिए धारा 10 में क्या है, न्यूनतम 5 वर्ष का अपराध दंड है। कितने का है, न्यूनतम 5 वर्ष का दंड है। साथ ही अब धारा 11 लैंगिक उत्पीड़न, यानी कोई ऐसे शब्द या कोई ऐसा साहित्य उसे दिखाता है, अश्लील साहित्य दिखाता है, चित्रण करता है या उसका उत्पीड़न करता है तो वो सब किस में आएंगे, धारा 11 में माने जाएंगे। और धारा 11 में लैंगिक उत्पीड़न होगा उसके लिए धारा 12 में सजा का प्रावधान है। अब धारा 12 में न्यूनतम सजा कितनी होगी, 3 वर्ष होगी। अब है धारा 16 अपराध का दुष्प्रेरण, यानी कोई व्यक्ति अगर लैंगिक प्रवेशन का या उत्पीड़न का कोई अगर अपराध करता है तो वैसा ही अपराध का दुष्प्रेरण करता है, किसी को बहकाता है, प्रवोक करता है या उकसाता है तो उससे संबंधित ये जैसा अपराध होगा और जिसने जो उकसाया है उस उकसाने वाले को जिसने अपराध किया उसी के बराबर दंड का प्रावधान है। यानी किसी धारा में अगर जिसने अपराध किया है उसे 10 वर्ष का सजा होगी तो उकसाने वाले को भी 10 वर्ष की ही सजा होगी। अब अधिनियम की धारा 21 संज्ञान में मामला होने पर रिपोर्ट नहीं करवाने पर दंड। यानी किसी को ये पता है कि ये बालक के साथ में कोई लैंगिक अपराध हो रहा है, और उसके संबंध में किसी संज्ञान में है लेकिन उसने पुलिस को इतला नहीं दी, रिपोर्ट नहीं किया, सूचना नहीं दी, तो उसको इस अधिनियम में दंडित करने का प्रावधान है। यानी जिसे पता भी है या संज्ञान में भी है, उसे उसने किया कुछ नहीं है लेकिन उसने उस बात को छुपा ली, तो उसके लिए भी इसमें 6 माह की सजा का प्रावधान है। अब है अधिनियम की धारा 23 अधिनियम की धारा 23 में कहा गया है कि मीडिया के क्या क्या दायित्व होंगे। मीडिया ऐसा नहीं है कि किसी बालक के साथ अपराध हुआ और उसकी अनर्गल बातें करता रहा, अपनी TRP बढ़ाने के लिए उसे बार बार न्यूज में लेकर के आए या उसे बार बार जलीलत करे, तो ऐसा न करे, उसके लिए मीडिया के दायित्व है। साथ ही उसका नाम भी नहीं छापेगा, मीडिया क्या करेगा उसका नाम भी नहीं छापेगा, नाम कोई जैसे किसी भी प्रकार का कोई दूसरा नाम निकाल करके वो छाप सकता है लेकिन उसका वास्तविक नाम नहीं छापेगा। उसके लिए अगर वो ऐसा कार्य करता है तो उसके लिए 6 माह की सजा का प्रावधान है मीडिया में भी। अधिनियम की धारा 24 बालक के बयान अगर जैसे बालक के बयान पुलिस लेने जाएगी तो पुलिस अधिकारी उसके निवास स्थान पर जाएगा, पुलिस कहां जाएगी उसके निवास पर, और वो भी किस में जाएगी, सादा वर्दी में जाएगी, वर्दी नहीं लगा करके जाएगा, सादा वर्दी में, सादा कपड़ों में जाएंगे, और उसमें पुलिस में सब इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक का नहीं होगा। किस रैंक से, सब इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक का नहीं होगा। और महिला सब इंस्पेक्टर होगी, यानी बयान उसके घर पे लिए जाएंगे और
उसी बालक के घर पे बयान लिए जाएंगे, जो भी सादा कपड़ों में लिए जाएंगे, सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का कोई अधिकारी नहीं होगा और वो महिला सब इंस्पेक्टर होगी। अधिनियम की धारा 25 में मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के बयान, यानी जो सीआरपीसी 164 के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष जो बालक के होंगे, उस समय बालक अपने गार्जियन को, माता पिता को या किसी दूभाषिया को, अगर उसकी भाषा कन्वर्ट करवानी है तो दूभाषिया को या किसी अन्य को जिसके साथ बालक सहजता महसूस कर सकता है, उसे वो ले जा सकता है। अब है धारा 28 विशेष न्यायालय, यानी विशेष न्यायालय से तात्पर्य है पॉक्सो कोर्ट, और वर्तमान में राजस्थान के सभी जिलों में पॉक्सो कोर्ट है। और ये पॉक्सो कोर्ट जो 18 वर्ष से कम के बालक के साथ जो लैंगिक टाइप के अपराध होंगे, कौन से टाइप के, लैंगिक टाइप के जो अपराध होंगे उनकी सुनवाई करेंगे। और इसमें अब तक लगभग राजस्थान में 5-6 लोगों को मृत्युदंड तक की सजा दी गई है। सर्वप्रथम इसमें अलवर में दी गई थी, कहां दी गई थी, अलवर पॉक्सो कोर्ट ने। अब धारा 43 है सरकार के दायित्व। सरकार के क्या क्या दायित्व हैं? सरकार सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया इत्यादि के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से इसके बारे में प्रचार प्रसार करेगी, साथ ही वो समाज में जागरूकता लेके आएगी ताकि इस प्रकार के अपराध न हो और पुलिस व न्यायालय की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए दिशा निर्देश जारी करेगी। थैंक यू। आगे का वीडियो हम जल्दी उपलब्ध करवाएंगे।